अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है गपशप। तो आज मैं अपने दोस्त के साथ हूँ, मलक अहमद और साथ में हमजा। तो हम लोग जा रहे हैं अभी घूमने फिरने का प्रोग्राम बनाया है, थोड़ा आउटिंग के लिए आए हैं आज, क्योंकि वीकेंड है, सब अपने अपने कामों से फ्री हैं। हमने सोचा चले जाते हैं, बहुत चक्कर लगा के आते हैं अपनी शहजादी की। तो ये है मेरी शहजादी, आपको अपना शहजादा दिखाया था दो टायरों वाला, अब ये हमारी शहजादी भी देख लें, मासूम सी शहजादी, चार टायरों वाली शहजादी। जाएंगे अब हम जाके अपने एक और दोस्त को उठाएंगे, किसका वो क्या नाम है यार, अदील को उठाना, अदील का, अदील अदील चूहा तो ना बोलो यार, दोस्त है अपना, जिगर है। तो चले साथ साथ आपको अपडेट देते रहते हैं हम लोग। गाइस कैसे हो आप सब लोग, खैरियत से हो? आज इन लोगों ने मुझे मेरा संडे भी खराब किया है, अचानक से इन लोगों ने कॉल किया कि जी आप आए, इसका संडे खराब किया है। बहुत सारे काम थे लेकिन इन लोगों ने कहा बीप आ जाएगी, बीप आ जाएगी। इन लोगों ने हुआ इस तरह के बुलाया कि जी बहुत ज़रूरी काम है, चलते हैं एक जगह। लेकिन जब हम घर से काफ़ी दूर निकल आए और उन्होंने कहा जी हम फलां जगह घूमने जा रहे हैं, पहले इन्होंने बुलाया मुझे इस तरह करके कि जी एक ज़रूरी काम है और वो छोड़ने का नहीं है, लाजमी जाना है। देखिए जानी, मेरी ज़िंदगी का ये तजर्बा है ना, जब भी आप प्री प्लान बनाओ कभी भी वो सक्सेसफुल नहीं होगा। हमजा के आगे तू यार, अचानक प्रोग्राम बना लो वो आपका मशे कामयाब हो जाएगा, लेकिन प्री प्लान में आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो। मेरी एक बात आप लोग सुनो, ठीक है, सो परेशानियाँ लांजे मामला जिंदगी के साथ लगे हुए हैं, ठीक है, और जो और काम करने वाले बंदे के लिए एक संडे होता है। और भाई ऐसी निकम्मी है, देखो सारा दिन काम कर गए तो अभी दोस्तों के लिए टाइम निकाला, क्योंकि मेरे लिए आज से 10 दिन पहले तक तो हर दिन संडे था, लेकिन ये 10 दिन हुए आया भाई की नहीं जानी हो, ये शाप नौकरी हुई है और अभी ये मैं खाना भी रहता है इसके ऊपर, आएगा मलक साहब है हमारे यहाँ, बिल्कुल आपको मैं वहाँ से एक काला ट्रीट प्लेट लेके दे दूंगा। मजा आया भाई, वो भी महंगी हो गई, जरूरत की चीज है वो भी, बस आप लोगों को मिल जाएगी भाई, बेफिक्र रहो। अभी जाते हो और चुई का क्या हाल हो गया यार उसका? वो मेरे ख्याल से उधर तो जितना इंतजार हमने से करवा दिया है, लेकिन वो बेचारा डस्ट से भर गया। ये बात है, उसका इलाका बहुत मजे का है यार, उसके इलाके इंशाल्लाह हम अपने व्यूअर्स को उधर का भी विजिट करवाएंगे। इलाके मेरे भाई, इलाके किसके होते हैं? तो मेरी हम लोग हरिपुर के हैं बेसिकली, और हरिपुर की शान ये बाईपास से जा रहे हैं, ये बाईपास है हमारा हरिपुर का और बहुत प्यारा एरिया है। आप लॉन्ग ड्राइव के लिए, अगर जो बंदा लॉन्ग ड्राइव को पसंद करता है और लॉन्ग ड्राइव पसंद करने वाले लोगों के लिए सबसे अच्छा रूट है ये वाला, सेफ एंड सिक्योर। आप रात को लेट नाइट भी आ सकते हैं, जिस टाइम भी आपकी गर्लफ्रेंड्स अगर आपके साथ हैं तो डेट के लिए सबसे अच्छी जगह ये है। नहीं जी मैं तो मलक साहब दरअसल भावनाओं में बह गए हैं ना मलक साहब, यानी इधर से नीचे उतर जाओ, गैस गैस कर रहे हो यार गाड़ी। हाँ यहाँ से उतरो नीचे, लेफ्ट हो जाओ ना। हाँ जी यहाँ से आप लेफ्ट होंगे तो गैस प्रोसेस किया। मैंने तो इसने मुझसे पहले एक सवाल पूछा था भाई कि मैं गैस किधर से डालूं, लेकिन अब वो मैं व्लॉग में कहने से बोल दो हम बीप डाल देंगे भाई। नहीं वो हुआ इस तरह से, मैंने वहाँ पे रस्ते में आते हुए इसने मुझसे नहीं कहा ऐसा कि जी मैं थोड़ा सा आगे है तो कहता यार गैस चलवा रही, भाई ऊपर जाओ सीधा जाओ नीचे जाओ सजे जा खबे जा। तो ये तो बाईपास भी है, कहते होते हैं ना जब बंदर को माचिस मिलती है ना तो वो बंदर को ही आग लगा देता है, ठीक है। तो इसका भी आज वो हिसाब है, गाड़ी में तो ये आज बैठ गया है लेकिन रास्ता ऐसे समझ नहीं आ रहा जाना किधर है। नहीं मैं तो कंफ्यूज हूं कि गैस किधर से मिलेगी, हमारी गैस की शॉर्टेज हो। मैंने इसे कहा है नहीं इसमें गैस की कमी इसलिए है कि इसे मैंने कहा है तुम ऐसा करो, एक हाथ बाल निकाल के पाइप निकाल के अपनी गैस जो प्रेशर बने वो गाड़ी में। फाइनली हम लोगों की गैस फिलिंग हो चुकी है, सीएनजी डाल दी है गाड़ी में, मलक साहब फोन पे बिजी हैं और हम जा रहे हैं अपनी पिश्ती गुड्डी को लेने के लिए। तो फाइनली हम लोग अपने दोस्त के गांव में पहुंच आए हैं उसको लेने के लिए, ये हमारी पिश्ती आ गई हमारी। ये हम इसके गांव में आ गए, ये आ गए जी हमारे पिछड़ी आ गई।
अदील जान आ गई हमारी, अदील जान पूरे मेरे तेरे नहीं दसा, ये फटे हुए हैं बहुत ज्यादा, तपे हुए हैं हमजा, ये तपे हुए क्यों हैं? सना बड़ा हो गया वो भी गाइस, दिलेश से ये है हमारा दोस्त, पिश्ता कहने का मतलब ये था, ये देखिए पिश्ती से नहीं, पिश्ता नहीं, ये देखिए असल रीजन ये था इसको पिश्ती कहने का। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो, नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार मजाक हो रहा है, इसका गांव बहुत प्यारा है, ये चेक कर लें आप। बेसिकली ये लड़कियां बड़े शौक से खाती हैं, इसलिए ये खट्टा होता है, इसलिए खाती है। समझ रहे हो आप, समझ रहे हो ना, बहुत टेस्टी होता है। अदील भाई आपने भी बहुत खाए होंगे ये वाला काम, बतलू में नहीं हो निकाले बहुत हो गए। लेकिन बहुत मजे का होता है ये गांव की सौगात है। दोस्तों जैसे कि हम गुजर रहे थे तो हमें रास्ते में यहाँ पे भट्टियों का मुकाबला नजर आया, पत्थर उठाने का मुकाबला, इनको भी हम लोग भट्टी उठाना ही कहते हैं। तो आपको दिखाऊं दोस्तों हम लोग यहाँ से गुजर रहे थे, इस गाँव का नाम है बटरासी, हरिपुर का बहुत ही प्यारा है, छोटा सा गांव है, डोइयां खुशकी नहीं बटरासी है, मेन गांव का नाम बटरासी है। तो यहाँ पे है जो हरिपुर का एक देसी खेल है जिसको वटी उठाना, वटियों का मुकाबला बोलते हैं, बेसिकली पत्थर उठाना ही है, स्टोन लिफ्टिंग, लेकिन वटी उठाना इसको बोलते हैं। बहुत ही देसी और कल्चरल गेम है हम लोगों की। तो हमने देखा है बहुत प्यारे प्यारे पहलवान आए हुए थे यार, सही अटे कटे। क्या कहते हैं मल साहब, आप कितने किलो की वटी उठा लो? वो वार्म अप कर रहा था 126 पे, 126 किलो पे सिर्फ वार्म अप कर रहा था, 126 पे वार्म अप था उसका। उसने कॉल किया माइक में, उसने कहा जी 126 पे ये वार्म अप कर रहा है। बोले हो जालम दे बच्चे हो। अब क्या नाम है इसका, आदिल भाई जी, जी। आप कितना उठा सकते हो वटी? ये अपनी वटी उठा ले तो बड़ी बात है भाई, ये गजब बेइज्जती है, इसी वटी का हम कुछ नहीं कह सकते, ये अपनी हड्डी उठा ले यही काफी है। अच्छा दोस्तों एक चीज आपको बताता चलूं, गाड़ी चलाते टाइम सीट बेल्ट लाजमी बांधा करें, हम लोगों ने अभी उतरे हैं तो सीट बेल्ट उतारी है, मैं वैसे भी यही कह रहा था कि सीट बेल्ट बांधनी चाहिए लाजमी, तो ये सीट बेल्ट जो है बहुत जरूरी है, आपकी गाड़ी का एयर बैग भी उस टाइम तक नहीं खुलता जब तक आप लोग सीट बेल्ट नहीं पहनते, सेफ्टी फर्स्ट है यार, डेफिनेटली। और ये अभी क्योंकि वैसे की गाड़ी में ड्राइव कर रहा हूँ तो इससे पहले, क्योंकि मैं अपनी गाड़ी में जब बैठता हूँ तो मेरी आदत है मैं सबसे पहले सीट बेल्ट बांधता हूँ। मलिक साहब ने अभी स्टीयरिंग संभाल लिया जी, मलिक साहब कहते हैं मुझे ड्राइविंग आई हुई है बहुत जोर की, मैं उड़ा के लेके आऊंगा इसको जी, इतना मैं उड़ाना, आपको पता है मेरी कितनी सेफ ड्राइविंग होती है, ये हमारी जान है जी, इसके बगैर हमारा गुजारा ही नहीं है। बेसिकली ये बेसिकली ये जो है शोकित की भी जान है, अदील की भी जान है, दो ही जान चाहिए भाई, इसकी जान है और मेरा छोटा भाई है, बस मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो, हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है, लाजवाब हो गया, मेरे पास अल्फाज नहीं आ रहे, अब मैं क्यों बोलूं क्या यहाँ पे आपको। बेटा तुमसे ना हो पाएगा, दुख दे के सवाल करते हो, तुम भी गालिब कमाल करते हो, तू सब
अब पहुंच आए हैं खानपुर, खानपुर डैम है, देख लें। और हवा बहुत ज्यादा ठंडी चल रही है इस वक्त। मलक जानी हवा बहुत ठंडी नहीं? बहुत अच्छा मौसम है यार। भाई क्या हाल है, मौसम कैसा है जी? बहुत प्यारा मौसम, बहुत प्यारा है। आप सबको बहुत प्यारी और ठंडी ठंडी आवाज। नहीं, कश्ती में जाने का क्या सीन है? आओ चलो गपशप लगाते हैं। तो अभी हम लोग कश्ती में बैठने का सोच रहे हैं। और वो देखे मलक साहब, वो छोटे से मलक साहब है, वो बार्गेनिंग में लगे हुए हैं। क्या है मंच के सामने के पास? मलक साहब दरअसल बाजारी आदमी है ना, वो बार्गेनिंग। तो फाइनली मलक साहब के इसके भाई के साथ डीलिंग हो गई है और अभी हम मौत का सफर करने जा रहे हैं। आप लोग जब भी खानपुर आए, भैया का नाम भाई, ये बहुत अच्छे इखलाक के मालिक है, ये आप इनसे रब्ता करें। और इनके एक तो रेट्स बड़े रीजनेबल हैं और बहुत अच्छे हैं, सर्विस बहुत अच्छी है। और इनका इखलाक बहुत अच्छा, सबसे अच्छा इखलाक है ना, पैसा आने जाने की चीज है। तो आप जब भी खानपुर आए, ये भाई हैं, इनसे रब्ता करें, इंशाल्लाह आपको डिस्काउंट, स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। ओ चलो चलते हैं मौत के सफर के ऊपर। याद हुई जिंदगी का आखिरी वाला, मौसम भी खराब है। तो मलक तो कुछ हो गया ना, मैं गाना ना सट्टा के यार मोहब्बत वाले इस ठंडे पे तरुण भी नहीं होना रे मैदान। नो बहुत ज्यादा ठंडी हवा बहुत तेज है। हमजा क्या कहते हैं जान? हमजा क्या कहे यार, सर्दी है इतनी ज्यादा इधर, बहुत ज्यादा ठंड। अभी की जैकेट आ गई है जी। मलक साहब अपुटी ना, ठीक है रे, देखे मलक साहब मान के ना बुजुर्गा निकाल, बुजुर्गा दी मनते नहीं हो तुसी? मलिक साहब आप कोई थरा पाओ। हाँ तो फिर अवैस भाई आप लाइफ जैकेट डाल रहे हैं, फिर है सेफ्टी, सेफ्टी फर्स्ट भाई, सेफ्टी फर्स्ट। हाँ जो भी, हाँ जो भी पहले कोर्ट पे बैठेंगे हम। अभी सारे बैठ रहे हैं कश्ती में। हमारी जिंदगी का सफर स्टार्ट हो गया, जर्नी स्टार्ट होगी हम लोगों की। बहुत ही अच्छा मौसम है, बहुत ठंडा मौसम, ठंडा मौसम। और मजे की बात यह है कि बारिश भी आई हुई है, ऐसा लग रहा है कि बारिश आई हुई है। चेंज हो गया सर्दियों से गर्मी। मलिक साहब आप बैठेंगे तो आप वीडियो में आपका पेट ही आ रहा है। कश्ती के ऊपर बैठे हुए हैं, बीच में बहुत कश्ती यार। तो बहुत ही ज्यादा ठंडा मौसम है, आप लोग भी लाजमी आए इन दिनों पे। खास तौर पे बहुत मजे का खानपुर का व्यू हुआ है, बहुत अच्छा, जहाँ पे आपको बादल का व्यू मिलेगा, पानी का व्यू है आपके पास, यहाँ पे बहुत अच्छा है, आप देख सकते हैं। वेरी गुड। और स्विमिंग का क्या हिसाब है? स्विमिंग आती है? थोड़ी थोड़ी कर लेता हूँ यार, मैं भी थोड़ा गुजारा कर लेता हूँ। गुजारा कर लेते हैं, बहुत अच्छी नहीं आती है, हल्का फुल्का गुजारा। ये देखो यार, ये तो पिछले सुसु का है। वाह क्या सीन है। इसको सुसु लगी हुई है कश्ती को। तो हम लोग इस जजीरे के पास से वापस आए हैं क्योंकि हम लोगों की इसके साथ बात ही यहाँ तक हुई हुई थी। बहुत मजे के ये व्यू है, ये स्पेशली ये आइलैंड जो है छोटा सा। अदील भाई आप क्या कहेंगे, आपको कैसा लगा कश्ती के ऊपर? बहुत मजा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, आज मौसम भी अच्छा है और कश्ती वाले भाई सही आउटिंग वाली जगह है। कश्ती वाले भाई है हमारे, इन्होंने बड़ा धावन किया है हमारे साथ, बहुत अच्छी जी। ये बेसिकली आपका इखलाक सबसे अच्छा होना चाहिए, सही बात है। अच्छा तो हर चीज अच्छी है, ये जुबान है जो इंसान को गधे पे भी बिठाती है। और आपने गधा मलिक साहब की तरफ देख के क्यों? इसके अंदर आपने सियासी बयान दी है। हम लोग अपने व्लॉग को यहाँ पे एंड करते हैं और उम्मीद है कि आपको हमारी ये छोटी सी गपशप, प्यारी गपशप हमारी आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड बेस्ट।
अरे कहना क्या चाहते हो? प्रेस द बेल आइकन। और अगर आपको ऐसी हमारी वीडियोस मजीद चाहते हैं आके आप तक हमारी गपशप पहुंचे देसी गपशप अच्छी सी, तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और साथ में टली के बटन बेल आइकन के बटन को वीडियो देखेंगे ना उसके नीचे एक खिड़की का बटन आएगा टली का, ठीक है? हम बेल आइकन नहीं कहेंगे उसे, ठीक है ना? आपने लाजमी से प्रेस करना। बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखना, अपना खास ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़।